इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह के बीच जबरदस्त हमले जारी हैं। लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी ऑपरेशन से भड़के हिजबुल्ला समूह ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। लड़ाके उत्तरी इसराइल पर तगड़े हमले कर अब अलग अलग इलाकों पर बम बरसा रहे हैं। समूह ने अपने हालिया हमले की फुटेज शेयर कर इजरायली हमले की पोल खोल दी है। हिजबुल्ला ने जारित उत्तरी तेल अबीब की बस्तियों के साथ साथ करमील और नहरिया की बस्तियों और दक्षिणी हाइफा के इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए। पहले वीडियो में हिजबुल्ला ने जारित की बस्ती में एक इजरायली मरकबा टैंक को उड़ाने का वीडियो शेयर किया। इसमें लड़ाकों ने ड्रोन से बनाए अपने वीडियो में अलमास मिसाइल का इस्तेमाल कर इजरायल को तगड़ी चोट पहुंचाई। वीडियो में हमले की सटीकता को दिखाया गया है। समूह ने दावा किया है कि इससे टैंक में मौजूद इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हुए। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे मिसाइल ने टैंक के पीछे के गोला बारूद डिपो पर हमला किया। प्रतिरोध लड़ाकों ने इसे प्रभावी ढंग से नष्ट किया। बताया जाता है कि अक्टूबर की शुरुआत से दक्षिणी लेबनान में 30 से अधिक मरकवा टैंक नष्ट हो चुके हैं। दूसरे वीडियो में प्रतिरोध को तेल अबीब के उत्तर में TAAS मिलिट्री इंडस्ट्रीज को निशाना बनाते हुए दिखाया गया, जो सैन्य गोला बारूद के निर्माण और इजरायली सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में माहिर है। फुटेज में टारगेट पर एडवांस मिसाइलों की बौछार दिखाई गई है, साथ ही रॉकेटों पर हमला करने के लिए इंटरसेप्टर भी दिखाई दिए हैं। वहीं तीसरे वीडियो में हिजबुल्ला करमील और नहरिया की बस्तियों पर मिसाइलों की बौछार करते हुए देखे गए हैं। चौथे वीडियो में हाइफा के दक्षिण में इजरायली सेना के तीरथ कारमेल बेस पर नस्त्र 2 रॉकेट दागे गए। बताया जाता है कि इस रॉकेट के समूह ने करीब एक सप्ताह पहले ही पेश किया था। जो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। हिजबुल्ला ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए। इसमें कई इजरायली ठिकानों और सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया गया। इससे इजरायली सेना उनकी साइटों और साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा। लड़ाकों ने अल बगदादी मिलिट्री साइट की ओर एक तरफा हमला करने वाले ड्रोनों का झुंड भी तैनात किया। प्रतिरोध ने कई ठिकानों और साइटों पर इजरायली सैनिकों की टुकड़ियों को निशाना बनाते हुए कई ऑपरेशन भी किए। हिजबुल्ला ने मनारा मिलिकिया और हफशीट मिलिट्री साइटों पर रॉकेट से इजरायली सैनिकों पर बमबारी की। मरवाहिन शहर के बाहरी इलाके में इजरायली सैनिकों ने एक समूह पर भी 2 गाइडेड मिसाइलों से बमबारी की गई। इससे 1 जवानों के हताहत होने की खबर सामने आई है। हिजबुल्ला लड़ाकों की लगातार गोलीबारी से पैदल इजरायली सेना को अब्बास साइट पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्ला के रॉकेटों से उत्तरी अरब शहर माजद अल क्रूम पर हमला हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हो गए। शहर में एक मिनी मार्केट के पास रॉकेट गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि लड़ाकों ने करमील शहर को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि हमले में करीब 30 रॉकेट दागे गए। शुक्रवार को उत्तरी इजरायल में कुल 65 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट ने फिलौन बेस को निशाना बनाया, जिसे एक महत्वपूर्ण इजरायली सुविधा माना जाता है। इसमें इमरजेंसी स्टोर और 36वीं और 210वीं ब्रिगेड का बेस भी है। मरकवा टैंक के साथ हौला की ओर बढ़ रहे इजरायली बलों पर प्रतिरोध की ओर से घात लगाकर हमला किया गया। इसमें गाइडेड मिसाइलों, मशीन गनों और रॉकेट प्रोपेलड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया।